हम हैं एमी और तानी एक फुल टाइम ट्रैवल फैमिली और ट्रैवल करने का हमें बहुत शौक है, लेकिन आज से पहले हमने लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग कभी नहीं की। तो हम अपनी पहली लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे फ्रॉम जॉर्डन टू इजराइल। तो एंड तक ये वीडियो देखें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। कीप ऑन वॉचिंग। हमारा आज पहला ऑफिशियल डे है जेरूसलम में। कल शाम में जब हम लोग पहुंचे थे जेरूसलम, हम लोग इतना थके हुए थे कि हमें कुछ समझ नहीं आया। बस हमने आके अपना सामान रखा है रूम में, चेक इन किया जल्दी से और बस क्रैश किया है। और फिर रात में मेरे ख्याल से 10-11 बजे हम लोग उठे कुछ खाने के लिए और फिर सो गए थे, क्योंकि जाहिर है हालत इतनी गैर हो रही थी, इतने थके हुए थे। पिछली रात भी जो है मुश्किल से 2 या 2.5 घंटे सोए थे। उसके बाद हमने पूरा दिन जो है वो ट्रेवल किया था। टैक्सी लेके हम लोग गए बस स्टॉप, जो जेट्स का बस स्टॉप अब्दाली में वाके है अमान में। टाइम हो रहा है यहाँ सुबह के 5:30 बजे। अभी हम लोग सो के उठे हैं, सामान हमने गाड़ी में टैक्सी में लोड किया है और हम लोग निकल रहे हैं अमान से और जॉर्डन को जो है वो खैरबाद कर रहे हैं और अपना आगे का सफ़र जो है वो शुरू कर रहे हैं। थोड़ा सा मुश्किल सफ़र होने वाला है, पहले से प्रिपेयर्ड हैं लेकिन नहायत थके हुए हैं। तो हम लोग जा रहे हैं बस अब जेट बस स्टेशन तक और हमारी बस यहाँ से 6:30 बजे जो है वो निकलेगी इंशाल्लाह। सूरज जो है वो तुलू हो चुका है, तो मुझे ये लग रहा था कि अभी अंधेरा होगा, लेकिन ज़ाहिर दिन लंबे हैं, सूरज जल्दी जो है वो तुलू हो जाता है। अच्छा, पहले हमारा प्लान ये था कि हम लोग यहाँ से जो है तेल अवीव जाएँ जब वहाँ पहुँचें तो, लेकिन ज़ाहिर है हम लोग अब फ़लस्तीन जाएंगे। हमारा प्लान ये है कि हम लोग जेरूसलम में रुकें, फ़लस्तीन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, वहाँ की जो ओल्ड सिटी है, जो वहाँ पर मस्जिद अक्सा है वो विज़िट करें, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आगे जाएँ। प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन अब वहाँ तक पहुँचने का जो पूरा सिलसिला होगा वो थका देने वाला होगा, वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा होगा। तो अब दुआ यही करके निकलें कि यार अल्लाह ताला आज का दिन हमारे लिए आसान बनाए और ज़्यादा मुश्किलात और ज़्यादा मसले मसाइल ना आए और सब स्मूथली हो जाए, क्योंकि शदीद थके हुए हैं, ऊपर से सामान वामान बहुत है, नाया भी साथ है और नींदें पूरी नहीं है। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे पीछे है वो जेट बस जिसपे इंशाल्लाह हमने प्रॉपर्ली आई डोंट इवन नो कितने घंटे हम स्पेंड करेंगे अभी, बट इंशाल्लाह इतने ज़्यादा नहीं होंगे। यहाँ से किंग हुसैन ब्रिज का 1 घंटे का सफ़र है, सो 6:30 बस चलेगी। वी बॉट आवर टिकट यस्टरडे, सो ये अच्छा हुआ कि हमने टिकट ले ली, बिकॉज बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी इतने लोग जा रहे होंगे, बट इट्स अ मैसिव लाइन, आई थिंक फुल होगी बस। सो वी कैन जस्ट पुट आवर स्टफ। वहाँ से हमारी बस जो है वो 7:15 बजे सुबह के रवाना हुई जॉर्डन और इसराइल का जो बॉर्डर है वहाँ के लिए। तो फाइनली हम लोग बस पे सवार हो चुके हैं और बस जो है वो अपने रास्ते पे रवा दवा है अब। अच्छा, थोड़ी सी लेट थी, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट हमने यहाँ पे वेट किया। यहाँ पे पहले बस खड़ी हुई थी, मुझे लग रहा था कि वो बस है, लेकिन जो 3-4 बसेस इस बस से पहले आई हैं वो पेट्रा और मुख्तलिफ जगहों पर जा रही थी जॉर्डन के अंदर, और ये है किंग हुसैन ब्रिज क्रॉसिंग वाली बस। और एक बड़ा मज़ेदार सीन हुआ कि कल आके हमने जो टिकट ख़रीदा था किंग हुसैन ब्रिज तक का, वो हमने आज की तारीख का ख़रीदा था और आज है 15th, और इत्तेफाक से उन्होंने हमें दे दिया गलत डेट का 16th का, तो वो बड़ा मसला हो गया। तो यहाँ पे जो टिकट चेकर था उसने देखा टिकट और उसने कहा ये तो कल सुबह का है, आज का नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से बस लेट थी और जगह थी थोड़ी सी, पूरी फिलअप नहीं हुई थी, तो टिकट मिल गया हमें। यार मैंने सुना है वीकेंड पे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो अच्छी बात है कि वीकेंड नहीं है। द अदर थिंग इज़ तकरीबन अभी जर्नी स्टार्ट हो गई है, तो 1 घंटे बाद जॉर्डन का एग्ज़िट आ जाएगा, तो यहाँ के कस्टम्स हो जाएंगे और वो हमें 10 जॉर्डेनियन ईच लगेंगे। तो उसके बाद फिर एक नो मैंस लैंड आता है जहाँ बेसिकली कुछ नहीं होता। तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र है मजीद, और वहाँ पहुँच के मेरा नहीं ख्याल हम कैमरे से आपको कुछ दिखा सकेंगे, लेकिन बता सकते हैं तो जब पहुँच जाएंगे तो फिर बताएंगे, और जहाँ जहाँ हो सका हम बनाने की कोशिश करेंगे फुटेज। और सबसे पहले बस ने स्टॉप किया जो जॉर्डन का कस्टम चेक आता है वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारा सामान जो है वो हमें अनलोड करना पड़ा बस से। हमने जाके सिक्योरिटी चेक किया, सारा सामान वामान चेक हुआ, पासपोर्ट के ऊपर एग्जिट स्टैम्प हमने लगवाई। अच्छा, 2 तरीके होते हैं, या तो आप पासपोर्ट पे लगवा सकते हो या फिर आपको एक वो रिसीट देते हैं कागज सा, उसके ऊपर आप नाम अपना डेट ऑफ बर्थ और नेशनैलिटी लिख के उसके ऊपर भी लगवा सकते हैं। एंट्री स्टैम्प जब हम लोग जॉर्डन आए थे तो हमारी पासपोर्ट पे लगी थी, लेकिन एग्जिट स्टैम्प जो है वो हमने उस रसीद के ऊपर लगवाई। उसके बाद फिर हमारा सामान दूसरी बस में लोड किया गया, वो भी जेट्स की बस थी, लेकिन दूसरी बस थी जो पहली बस थी वो उतार के चली गई थी। तो पहला सिक्योरिटी चेक हो गया है और जॉर्डन का एग्जिट हो गया है। इट टुक अस
30 minutes मैक्स. बहुत जल्दी प्रोसेस था, सारी चीज़ें स्कैन हुई और फिर हमें वो एग्जिट स्टैम्प मिली एक, एंड हमें 10 जॉर्डेनियन ईच देने पड़े. सो कैश हमने रखा हुआ था. उसके अलावा मुझे ये लग रहा था कि हमारे पासपोर्ट्स जो हैं उसके ऊपर स्टैंप लगेगी जॉर्डन की, जैसे हम लोग यहाँ पे एंटर हुए थे तो पासपोर्ट के ऊपर ही स्टैंप लगी थी, लेकिन पासपोर्ट के ऊपर उन्होंने स्टैंप नहीं लगाई. उन्होंने हमें अलग से जो है वो एक पीस ऑफ पेपर दिया, उसके ऊपर नाम, नेशनैलिटी और ये सारी चीज़ें उन्होंने डेट ऑफ बर्थ लिखवाई हमसे और उसके ऊपर स्टैंप लगाई. तो तकरीबन 30-40 मिनट का प्रोसेस था. बस चेंज हो गई है, पहली बस जो जेट्स की थी वो हमें छोड़ के यहाँ से चली गई थी, अब ये दूसरी उसी कंपनी की बस है और इसमें हम लोग सवार हो गए. सामान वामान सारा हमने रख लिया नीचे और ये बस मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर में चलेगी यहाँ से. फिर ये लेके जाएगी हमें बॉर्डर पे, जहाँ पे ये भी मतलब ये बॉर्डर से थोड़ा सा पहले इन्होंने कस्टम्स सिक्योरिटी चेक बनाया हुआ है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंटेशन और पेपर वर्क. और अब जो है हम वहाँ मेन बॉर्डर पर पहुँचेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है आगे. बाद हम वहां से रवाना हुए, मुश्किल से जो कस्टम चेक है और इस वहां से इसराइल का बॉर्डर जो है वो 5-10 मिनट दूर है. वो एक ब्रिज आता है जो किंग हुसैन ब्रिज के नाम से जाना जाता है. अच्छा, वहां पे हम वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वहां पे इंतहाई सख्ती और सिक्योरिटी है, तो आप कोशिश भी नहीं कर सकते बनाने की. अगर आप पकड़े गए तो फिर आप सोच सकते हैं, क्योंकि अगर आप मुसलमान हैं और फिर इसराइल और जॉर्डन के बॉर्डर के ऊपर आप कुछ इस तरह की कोई नाजेब हरकत कर रहे हैं जो वहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो फिर तो आपके साथ बड़ा मसला हो जाता है. लिटरली एक बंदे ने वीडियो बनाई थी इन द बस ऑफ द पुलिसमैन, एंड दैट गाय गेव हिम अ रियली रियली स्ट्रिक्ट वार्निंग, एंड ऑल ही सेड वाज वीडियो नो. हां, बूम बूम बूम, दैट्स व्हाट ही सेड. उसने ये कहा, उसने कहा टा 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 टा. उसने बोला अगर वीडियो बना रहे हो और पकड़े गए, भले वो फोन से क्यों ना हो. मैंने फोन ऑफ करके अंदर रखा, छोड़ो यार. तो खैर ये हुआ, उसके बाद फिर बस ने हमें उतार दिया जो इसराइल का जो बॉर्डर है, जहाँ पे प्रॉपर आपका सिक्योरिटी चेक होता है, जहाँ पे वो चेक इन करते हैं आपके सामान को, उसके बाद आपकी तलाशी होती है. अच्छा, वो पूरा जो उन्होंने वहां पे जो एरिया बनाया हुआ है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई एयरपोर्ट हो. वो मतलब है बस स्टॉप है, वो मतलब बॉर्डर क्रॉसिंग, लेकिन वहां पे जो उन्होंने पूरा बंदोबस्त किया है वो बहुत जदीद टेक्नोलॉजी वाली, वहाँ पे मशीन्स हैं, स्कैनर्स हैं और इस तरह का पूरा वहाँ पे सेटअप है. तो खैर वहाँ पे रश बहुत था, लाइन बहुत लंबी थी और एक के बाद एक जो है वो बस आ रही थी. मुझे लग रहा है खाली अमान से नहीं आती, पूरे जॉर्डन से जो है वो बसेज आती हैं, जो लोग बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहे होते हैं, भले वो जॉर्डेनियन हो, अरबी हो, या जो पैलेस्टीनियन हो जो वापस जा रहे होते हैं अपने मुल्क, या फिर इसराइली हो, तो वो सारे जो है वहां पे होते हैं और वो लोगों का एकदम से जम्मे गफीर वहां पे जमा हो जाता है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है. लेकिन इम्तिसाल को मैंने आगे किया, वहां पे औरतों को आप आगे करते हो तो औरतों की बहुत इज्जत होती है, तो इसलिए इम्तिसाल आगे हुई. इसने घुस घुसा के जो है वो जल्दी से टिकट लिया, मतलब वो जो स्टिकर्स थे जो हमारे सूट केसेस और लगेज जो हमें चेक इन करवाना था उसके ऊपर लगने थे, वो करने के बाद हमने अपना सामान जो है वो एक कन्वेयर बेल्ट के थ्रू जो है वो अंदर डाला और उसके बाद हम लोग चले गए अंदर. वहां पे हमारी सिक्योरिटी चेक हुई. सिक्योरिटी चेक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी और बहुत जदीद उनके पास मशीन है, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ. मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, उसमें लोगों ने ये कहा था कि वो आपके पूरे कपड़े उतरवा देते हैं, कहते हैं कि चड्डी में आप खाली खड़े हो जाएं और हाथ ऊपर करें और ये करें. हाथ ऊपर औरतों के करवा रहे थे लेकिन वो एक मशीन थी, खाली वहां पे वो हाथ ऊपर करने होते हैं और वो मशीन आपको स्कैन करती है, वो फिजिकली टच वच करके नहीं देख रहे थे, ऐसा कोई सीन नहीं था. और वो मेरे ख्याल से पूरा प्रोसेस जो है वो आधे घंटे में हमारा कंप्लीट हो गया सिक्योरिटी चेक वाला. और उसके बाद नेक्स्ट मरहला ये होता है कि आप जाते हो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास, तो वहां पे 2 या 3 बूथ बने हुए हैं, वहां पे आप जाते हो, लाइन में लगते हो. मुश्किल से 15 मिनट का वेट था, हमारे आगे 2-3 लोग लगे हुए थे, उन्होंने जैसे ही उनको फारिग किया उसके बाद हमारा नंबर आया. उसके बाद जैसे ही हम बाहर निकले तो वहाँ पे 2 बूथ बने, एक जो है वो टैक्सी बूथ है, दूसरा जो है वो बस का बूथ है. तो भैया तकरीबन 6 घंटे की खज्जल खुआरी के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं बिलाखिर इसराइल. हम बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, कस्टम चेक हो चुका है, सिक्योरिटी चेक हो चुका है, सारा सामान वामान जो है वो हमने रख लिया है यहाँ पे. आप लोग देख सकते हैं सूटकेस, प्रेम, सारी चीज़ें, बैग पैक. और अभी हम लोग शटल बस में हैं, तो शटल बस जो है वो हमें लेके जाएगी डमास्कस गेट तक और वहाँ पे ड्रॉप ऑफ करेगी. वहाँ से हम दूसरी टैक्सी लेंगे और वो फिर हमें छोड़ेगी हमारे होटल तक. तो ये सर्विस जो है ये बेसिकली 42 शेकल्स लेती है पर पर्सन और उसके साथ 5 शेकल्स जो है वो मेरे ख्याल से लगेज के हैं एडिशनल. तो हमारा टोटल जो बना था वो बना था 150 शेकल्स, जो कि तकरीबन 40 USD बनते हैं. और प्रोसेस बहुत लेंथी होता है, बहुत थका देने वाला होता है, हमने यही सुना था. और हम लोग काफ़ी प्रिपेयर थे, मतलब हम ये सोच के आए थे कि 5-6 घंटे हम यहाँ पे बैठेंगे और वेट करवाएंगे हमें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और बहुत दस्ती और बहुत जल्दी हमारा काम हुआ है.
सिवाय मेरे ख्याल से जो बैग आने में जो हमने अपना बैग चेक इन किया था सूटकेस, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा, उसमें तकरीबन हमें आधा घंटे का वेट करना पड़ा। लेकिन उसके अलावा जो हमारा पूरा जो वीज़ा प्रोसेस था, उसने खाली दो तीन सवाल मुझसे पूछे, कहाँ पैदा हुए, फादर का नाम क्या है और इस तरह की एक दो चीज़ें और पूछी। तो साल से कुछ एट वन स्टेज मुझे थोड़ी हो गई, अगली जो कंट्री है हम मतलब वो भी हम इंशाल्लाह बॉर्डर क्रॉस करके जाएंगे, जो अगला मुल्क हम जाएंगे, मैं भी रिवील नहीं कर रही। बट उस लेडी ने मुझे कहा कि अच्छा तो तुम्हारी फ्लाइट कहाँ से है अगली? टेल अवीव से है। मतलब उसने लाइक इतना क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछा कि पहले मैंने कहा हाँ, फिर मैंने कहा नहीं सॉरी नहीं, हम तो लेकिन फिर भी कोई ऐसे सवाल नहीं थे, कोई मतलब मुश्किल से 5-10 मिनट लगे होंगे वहाँ पे, इससे भी कम टाइम लगा होगा। 3-4 उन्होंने गिनती के सवाल पूछे और वो बहुत जेनेरिक सवाल थे, कोई मतलब ऐसा मुश्किल सवाल नहीं था या कोई बहुत तंग नहीं किया उन्होंने, जो हमने सुना था और जो जितने लोगों ने ये बॉर्डर क्रॉसिंग की है बस के थ्रू उन्होंने बताया है कि बहुत आपको रुलाते हैं और मतलब बहुत खज्जल ख्वार करते हैं, उसके बाद फिर आपको एंटर होने की परमिशन मिलती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ मुझसे। तो अलबत्ता उसने ये पूछा तुम यहाँ नहीं पैदा हुए इसराइल में, इतनी फिर उसके बाद वो हंसना शुरू हो गई। फिर ये कहने के बाद कहती है वेलकम टू इजराइल एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है। अच्छा तो आज का हमारा प्लान ये है कि हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ से बस टर्मिनल से जेरूसलम, जो ओल्ड सिटी है, और वहाँ पे हमने होटल जो है 2 रातों के लिए बुक किया है। और करना भी ज़रूरी था क्योंकि बुकिंग के बगैर होटल की यहाँ पे आपको फिर वो थोड़ा सा मसला कर सकते हैं वीज़ा देने में। लेकिन हमें जो है वीज़ा उन्होंने दिया है नवंबर तक का, इस साल के नवंबर तक का। और आई थिंक इसका सबसे जो मेन रीज़न है वो ये है कि हमारे पास ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट भी है, तो ऑस्ट्रेलियंस को वैसे ही वीज़ा नहीं चाहिए होता। उन्होंने वीज़ा नहीं दिया, उन्होंने बस ऑन अराइवल जो स्टैंप लगाते हैं वो स्टैंप लगाई है, वो पासपोर्ट पर नहीं लगवाई हमने। ये सारी चीज़ें हम बाद में बताएंगे होटल पहुँच के थोड़ा सा सुस्ता के आराम से बैठ के। अच्छा हाँ एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, वो ये कि जब आप इसराइल में एंटर होते हैं तो अब इसराइल ने ये किया है कि उन्होंने पासपोर्ट पे स्टैंप लगाना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि काफी ऐसी कंट्रीज हैं जो इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, और अगर वो स्टैंप लगी होगी पासपोर्ट पे तो फिर उसको वो एंटर नहीं होने देंगे। जैसे ईरान है सबसे बड़ी एग्जांपल। तो उन्होंने क्या किया है कि वो आपको एक रसीद देते हैं, रसीद के ऊपर वही आपकी डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी और ये सारी चीजें लिखी होती हैं, और वो उसके ऊपर स्टैंप लगाते हैं और वो पीस ऑफ पेपर जो है वो आपको हैंड ओवर कर देते हैं, और फिर वो आपको चाहिए होता है जब आप इसराइल से एग्जिट कर रहे हो, बाहर निकल रहे हो। अच्छा एक और चीज यहाँ मैं ऐड करना चाहता था कि पासपोर्ट का भी बहुत फर्क पड़ता है। दो तीन जगहों पे जो सिक्योरिटी चेक थे, जाहिर है वहाँ पे अरब थे और दूसरे लोग जो थे उनके साथ वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थे, सामान वामान सब कुछ खुला हुआ था, वो चेक हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। हमारा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कहीं पे कोई सूटकेस नहीं खुला, इवन मतलब मेरा जो पूरा इक्विपमेंट बैग है वो उसको मतलब उन्होंने एक जिप तक नहीं खुलवाई और सारी चीज़ें बहुत स्मूथली हो गई। इवन जो बंदी बिल्कुल लास्ट पे खड़ी हुई थी जो चेक कर रही थी पासपोर्ट और स्टैम्प्स, उसने जब पासपोर्ट देखा तो कहने लगा हाँ हाँ चौक ऐसी हाँ कहने लगी निकलो निकलो। अच्छा, इस हद तक मैं कंफ्यूज हो गई थी कि लाइक सारे लोग सामान खोल के खड़े हुए थे, तो मैं भी वही लाइन अप हो गए, आई लिटरली अस्यूम कि हमें भी मतलब ऑब्वियसली खोलना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, हम उसी लाइन में लग गए, हम उसी लाइन में लगे। फिर दूर से आवाज आई लाइक वो औरत चिल्ला रही थी कि कम थ्रू, लाइक बिल्कुल निकल जाओ गेट से, तो एकदम हम फिर निकल गए भाग के। एंड तो बस स्मूथली हर चीज़ हो गई है, बहुत शुक्र है, बहुत मतलब जितना अल्लाह ताला का शुक्र किया जाए उतना कम है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा घबराए हुए थे कि यार मतलब इनाया के साथ मुश्किल ना हो ये प्रोसेस। तो अभी हम जिस तरफ जा रहे हैं जाहिर है वो पैलेस्टाइन है, फलस्तीन हम जा रहे हैं, इसके बाद फिर हम जाहिर है दूसरी तरफ जाएंगे। The bus only drops you up till Damascus Gate. ये जो shared bus है ये कहीं और आपको drop नहीं करेगी. So वहाँ से फिर आपको अपना इंतजाम खुद करना होता है to your hotel or wherever you're staying. तो भैया shuttle ने हमें उतार दिया है जो Damascus Gate है उसके बिल्कुल सामने, और इत्तेफाक से यहाँ पे हमारे पीछे ही दुकान है जहाँ से सिम कार्ड लेना है हमें। तो इम्तिसाल अभी अंदर गई है सिम लेने के लिए, क्योंकि सिम नहायत ज़रूरी है, तकरीबन हम लोग यहाँ पे 10 दिन के लिए होंगे, 10-12 दिन के लिए। तो सिम के बगैर जो है वो ज़ाहिर है हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, ऊबर नहीं कर सकते, और फिर मैप्स पे हम हर जगह ढूंढ रहे होते हैं रेस्टोरेंट्स हों या फिर जो जगहें विजिट करनी हो वो। तो अभी इम्तिसाल जो है अंदर मेरे ख्याल से 2 पैकेजेस इन्होंने बताए, एक 80 शेकल्स का है जो कि तकरीबन मेरे ख्याल से जिसमें 100 GB डेटा मिलता है,
और उसके अलावा अनलिमिटेड कॉल्स मिलती हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक और भी है पैकेज जो है 60 शेकल्स का, तो उसमें आपको तकरीबन 20 GB डाटा मिलता है, तो वो हम लोग ले रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा हम लोग यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो You didn't give us good price, brother. Same, surprise for if you had given us that's 50. Price, price for me. So did you take 80 or 60? 80, 60. No, I said I wanted the 60 one. तो फाइनली हमें कैब मिल गई है, एंड ऊबर तो चली ही थी तो तानी और मैंने बस हेल की और ये आ गई है। हमारा होटल सिर्फ यहाँ से 10 मिनट दूर है, सो हमारी बात 30 शेकल्स में हुई है, विच शुड बी ओके। आधे घंटे की ख्वारी और आगे पीछे होने के बाद जो है वो फिलहाल हमें टैक्सी मिल गई है। फटाफट से सामान डाला, कुछ समझ नहीं आ रहा था। चार पांच पार्टीज और आ गई थी और वो भी टैक्सी में बैठना चाह रही थी। इंतजार ने फिर मेरे ख्याल से रेट वेट जो है वो तय करवाए, और इतना दूर नहीं है जहाँ पे हमें डमास्कस गेट पे बस ने उतारा था, वहाँ से मुश्किल से 6 मिनट की ड्राइव है जो हमने होटल बुक किया। होटल का नाम है कॉमोडोर होटल और वो है भाई जबल जैतून में, वाकई माउंट ऑलिव एक जगह है वहाँ पे है। तो बस अब जल्दी से होटल जा रहे हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपकी काफी हद तक रहनुमाई की हो, और अगर आप लोग पैलेस्टाइन विजिट करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जरूर देख लीजिएगा। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपको जरूसलम जो है वो सही तरह से सही मायनों में एक्सप्लोर करते हुए दिखाएंगे इमी और तानी। अगर वीडियो पसंद आ रही है भाई तो इसको खूब लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम लोग इसी तरह के मजीद मजेदार किस्म के और खतरनाक किस्म के एडवेंचर जो है वो आप सबके लिए करते रहें। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।